हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को फ्रैक्शंस वाले एडिशंस को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है, तो आज हम आपको इतना इजी वे से बताएंगे जिससे आपको फिर आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 3 अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे इजीली 3 लिखते हैं और यहाँ से आप सेम टू सेम लिखते हैं जो नीचे है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से लिख लेते हैं कितना, 7 5 12 / 3, इट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया, 4। तो ये तो इजी है, इस वाले में आपको प्रॉब्लम होता है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, 4 और 6 का लेना है एलसीएम। एलसीएम हम लोग सबसे पहले लेंगे 4 और 6 का। 4 एंड 6, 2 से आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 2 12। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12, लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 को यहाँ पे लिख लेना है प्लस इस 3 को भी यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको इस नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो 4 3 12, तो 3 जार, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटू 3। सेकेंड टाइम्स में इस नंबर से इसी को डिवाइड करना है, तो 6 2 12, तो यहाँ पे लिखना है आपको इंटू 2। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, अब आपको लिखना है 5 3 15 प्लस 3 2 6 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 15 + 6 21 अपॉन 12, 3 4 जार और 3 7 जार, इट मीन्स 7/4। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं ऐड। अब आपका एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नीचे बना लेना है 1। अब इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होता है 5। अब ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे ऊपर डिजिट आएगा सेम, 3 ही आएगा, और अगर यहाँ पे 1 हो तो ये नंबर इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 1 = 5, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 3 5 8/5। तो इस टाइप से आप फ्रैक्शंस का एडिशंस को इजीली कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।